एक बार जोरदार तालियां बादशाह हार्डी संधु तनिष्क बागची असीस कौर एंड डीजे चेतस। आप सभी का हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये सब धुरंधर कलाकार इनकी फिल्म जो है गुड न्यूज उसकी प्रमोशन के लिए यहाँ पे है। ये तो हमारी चाल थी, हमें एक्चुअली सबसे मिलना था, गाने सुने थे, तो वेलकम टू द ट्रैप। आपको पता है अर्चना जी, फिल्म गुड न्यूज में 7-8 म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर सिंगर हैं, ऐसे सारे अपने। अच्छा, इतनी बड़ी स्टार कास्ट नहीं फिल्म की। पाजी, ये आपने यूनियन बनाई हुई है कि हम साथ में काम करेंगे, कि प्रोड्यूसर अक्षय पाजी है ना, हो सकता है उनकी चाल भी हो, क्योंकि 6 लोग हो ना तो आदमी बोलता है तू कर ले, नहीं करेगा वो कर लेगा। तो पाजी, ऐसा कोई सीन तो नहीं था ना? नहीं नहीं भाई, वही बट अक्षय पाजी थे तो फिर हमने सोचा कि मेरा तो पहला गाना था अक्षय पाजी के साथ। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि सबको मिलके कर लेते कि ब्लेम अगर फेल हो गया। हाँ। वही बात है, तो ब्लेम करना मुझ पे ना है। बादशाह पाजी, आप हमेशा की तरह बड़े कूल लग रहे हैं। जी भाई, ये दो अलग अलग बातें हैं, कूल तो आप हैं, बड़े भी लग रहे हैं। 5 लोग खड़े, बादशाह, ऐसा लगता है मेन जोर इन्हीं का लगा म्यूजिक पे। पर ये जो आपका स्वैग है, बिल्कुल आप पूरा बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और ऑडियंस के साथ पूरा इंटरेक्ट करते हैं, ये इनबिल्ट होता है कि असेंबल कराना पड़ता है? मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है। अच्छा। मतलब इससे पहले कि कोई कोई आपको मतलब वो करे, अब उनको कंफ्यूज कर दो ये करके कि बंदा कूल ही होगा। हाँ। पंजाबियों में तो होता ही है वैसे, इनबिल्ट ही होता है भाई। पर मुझे, मैंने पहले पहले बैठ देखा था तो मेरे को लगा था कि शायद आप स्टेज के आगे जो आपके फैंस नाच रहे होते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, आप उनकी आंख में मारते हैं जाके। आपको पता है, मेरे को किसी ने कहा, कहते बादशाह जो हैं वो अपना वजन जानबूझ के कम नहीं करते कभी भी। क्यों? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एक एक फिल्म में 7-8 कंपोजर होते हैं, तो कभी एल्बम का कवर बने तो फोटो में ज्यादा नजर आए। जैसे अभी तनिष्क ना कंप्लेंट कर रहे थे, कहते मेरा बागची तो इनके पीछे छुप जाता है। तो आसीस, हाँ जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। आपको ये गुड न्यूज तो... कब मिली थी कि आप गुड न्यूज में गाना गा के कपिल शर्मा शो में आ रही हैं? इस गुड न्यूज के लिए ना मैं मनते मांग रखी है। और मतलब आपके शो के हम सब इतने फैन है कि हम पहले मेन टेलीकास्ट देखते हैं, फिर रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं। अच्छा। और आज तो इतना मना कि शूट है तो मम्मी पापा भाई बहन सब आए। अच्छा, अच्छा, सत श्री अकाल जी, वेलकम वेलकम। ये वाला एपिसोड ये 3-3 बार देखने वाले हैं। और जब मुझे गुड न्यूज मिली मैंने कहा भैया ये तो बेस्ट न्यूज है। तो आपको इतनी मन्नते मानने क्या जरूरत थी? अर्चना जी को 50,000 देती, ये 25,000 इधर ऑडियंस कोऑर्डिनेटर को खिला के आपको गेस्ट बुला रहे हैं। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी मैम, थोड़ी सेटिंग। आप यूं ही बेहतरीन गाने गाते रहिए और आप यहाँ पर हमारे यहाँ गेस्ट की तरह आते रहिए। थैंक यू सो मच। हार्डी का बड़े सारे गाने पॉपुलर है, लेकिन अभी रिसेंटली एक गाना पॉपुलर है ना, गर ये आप सबने देखा, नोरा पतेई। वाओ भाई, भाई गाना वाओ के नोरा पतेई, भाई आप सीधा ही बोलते थे नोरा पतेई वाओ, हार्डी के कंधे में बंदूक रखी। मैंने पहले तो नोरा फतेही को ही देखा था, मैं उसका गाना, फिर मैंने जब गाना सुना मैं कहा यार गाना बड़ा अच्छा है, तो उसमें नोरा फतेही इनको बोल रही मेरी जुत्ती लै दे सोनिया। हाँ। और ये कह रहे ना गोरिए। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू से नो, लड़की इंटरेस्ट ले रही है, मना कर रहे हैं। तो जब शूटिंग चल रही थी आपके व्रत चल रहे थे, आप क्यों मना कर रहे थे नोरा फतेही को? भाई मैं ना हमेशा क्वेश्चन ही आता है मेरे पास, तो मैं बोलता हूँ कि जुत्ती जब लेके दो लड़की को तो बाद में खुद की पढ़नी है तो क्यों लेके देनी। सही बात है, दूरदर्शिता, दूरदर्शिता है बंदे में, वेरी गुड। तनिष्क आपको भी बधाई हो बहुत बहुत, आजकल हर दूसरी फिल्म में आपका गाना होता है तो आपको टेंशन नहीं होती कि पहली फिल्म में क्यों नहीं? नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा तनिष्क से बहुत पुराना नाता है। जब मेरी पहली फिल्म आई थी किस किस को प्यार करूं, उसका बड़ा खूबसूरत गाना उन्होंने कंपोज किया था, तू हीर मेरी। यस सर। तो वो गाना जब आप कंपोज कर रहे थे, आपने कभी सोचा था ऐसे कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिलेगा? मुझे कुछ पता नहीं है। कुछ भी नहीं पता था कहाँ जाने वाला है गाना, यार लेकिन जहाँ गया है परफेक्ट था सर। और आपने जो गाया था, मैंने एक्चुअली माई मॉम हर्ड दिस, एंड शी सेड दैट
दिस इज द वॉइस आई थिंक गाने का डेस्टिनी होता है ना सर वो बन जाता है फिर पता नहीं कहाँ जाता है तो बोला था ये सही जगह पे गाना गई तो दैट इज लाइक माय लाइक फर्स्ट फिल्म सर क्या दो लाइनें हो जाए फिर उस गाने की तो दो ही लाइन याद हां दो ही थैंक यू तनिष्क बहुत ही प्यारा सॉन्ग है आपने बहुत अच्छा गाया थैंक यू सो मच डीजे चेतस हर पार्टी की शान है ये सब बड़ी बड़ी पार्टीज में बड़े बड़े शोज में परफॉर्म करते हैं मेरी मुंबई में जो रिसेप्शन हुई थी उसमें भी आपने परफॉर्म किया था थैंक यू अच्छा मुझे ये आपसे पूछना था मेरे कौन कौन से रिश्तेदार थे जिन्होंने दो दो पैक मार के आपको अजीब अजीब फरमाइशें की है आपको मेरे को वो ब्लैक लिस्ट कर देने हैं मिका बाजी हैं वो तो मेरे को भी तंग करते रहते हैं नहीं मिका बाजी ने बोला आंख मारे पहला गाना होना चाहिए कुछ अच्छा। भी हो जाए पहला गाना आंख मारे मतलब 5 घंटे मिका बाजी ने पहले तो खुद गाया और जब 6ठे घंटे आप आए तो आपको भी कहा मेरा गाना बजाओ नहीं एक्चुअली मिका बाजी थे और किसी ने तंग नहीं किया बाकी थे बट ऐसे मेरे को खुद को याद नहीं आप भी सेट थे तो चेतस जब आपको लोग फरमाइश करते हैं कि यार कभी कभी बोल ही देता ना आदमी कि यार ये वाला गाना बजा दो तो कैसे बोलते हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो नहीं आते लोग एक मतलब एक बार एक इंसिडेंट हुआ था मैं बताता हूँ एक क्लब में बजा रहा था और एक लड़का आया मेरे पास तो नॉर्मली मैं आगे जाता हूँ हाँ बता भाई क्या गाना है तो आया एंड उसने मेरा कान जोर से बाइट कर दिया आई स्वेयर टू गॉड मजाक नहीं कर रहा ये सच हुआ था मेरे साथ और आई हैड मतलब यहाँ लोग देख रहे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बाद जो भी आता है मैं सबको बोलता हूँ हाँ भाई बजा लूँगा बजा लूँगा बड़ा मुश्किल होता है क्राउड को हैंडल करना बजाता खुद क्यों बट हाँ बोल देता हूँ सुना ही था भाजी कान खा गया वो मेरे उसने ऐसे खा के बोला नहीं बोनलेस अच्छा बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली क्राउड को हैंडल करना मैंने दलेर पाजी दलेर मेहंदी उन्होंने किस्सा सुनाया था बोलते हैं कि मेरी एल्बम रिलीज होने से पहले की बातें हैं ये तो बोलते हैं कहीं महफिल चली हुई थी तो वो गजल बजल सब गा लेते हैं वो सीखे हुए सिंगर है तो कहते हैं मैं पीछे था 2-3 गजल सिंगर बुलाए हुए थे उन्होंने तो जो सबसे पहला गया ना एक हर पार्टी में ना एक आध आदमी ऐसा जरूर होता काम खराब करने वाला कहते वो आया 10,000 रुपया लेके आया ऐसे 100-100 के नोटों की गड्डी उसने गजल सिंगर को बोला आहा ऐसे रखा उसके आगे ये सच्ची बात है नहीं तो मैं नाम लेके थोड़ी ना सुनाऊंगा कि दिलेर भाई ने सुनाई थी कहते वो चला गया उसके बाद कहते दूसरा सिंगर आया फिर वो शराबी उठा बैंक से लेके आया था पैसे फिर आया कहता माय गॉड उस वाले को लगा होगा शायद इस तरफ से मारेगा उसने चार सिंगर थे तीसरा आया बोलते वो शराबी उठ के आप तीसरे को नहीं पता कि ग्रीन रूम में बैठा हुआ है किन किन को साथ हो चुका है उसको पैसे रखे उसके साइड पे उसको पूरा उठा लिया ऐसे चौकड़ी मार के बैठा समेत चौकड़ी उठा लिया उसका ऐसे पकड़ के ना उसकी गाल पे काटा पता नहीं कौन सी ऑडियंस थी क्या था तो दलेर भाई कहते मैंने सारे देखे थे क्योंकि मेरा 4th नंबर था तो कहते जब मैं गाने गया ना मेरी तरफ भी आया कहते कहते मैंने रोका मैंने कहा कौन सी गजल क्या बुरा लग रहा है आपको बड़े किस्से होते हैं ऐसे अरे हाँ बाजी वेलकम आइए यार सारे आपको मैं एक और गुड न्यूज देना चाहता हूँ बादशाह मेरे लिए गाना कंपोज कर रहे हैं अब आपकी टेंशन अब बोलते रहना मीडिया को जवाब देते रहो एक तनिष्क बागची भी कर रहे हैं ये काटना नहीं सोनी टीवी आपको अपनी मम्मी की कसम है पाजी गुड न्यूज में गाना है दिला दूं घर तुझे चंडीगढ़ में आप पे बड़ा सूट किया वो आप दिला भी सकते हो नहीं नहीं लास्ट ईयर इनका टॉप 100 रिचेस्ट सेलिब्रिटी की लिस्ट में इनका नाम है भाई साहब का So proud of you, भाजी. Thank you, भाजी. आपका भी था भाजी. पिछले साल? मेरे से बहुत ऊपर था भाजी आपका. पिछले साल? हाँ. पिछले मैंने काम ही कोई नहीं किया. पिछले 3-4 सालों से था भाजी आपका. हाँ. वो भाजी actually मैं आपको पता है मतलब
मतलब ये गाना रिलीज भी नहीं हुआ था, दिलजीत पाजी का मेरे को डीएम आया कि पाजी आप चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी देख दो मेरे लिए। अच्छा, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं कहीं प्रॉपर्टी डीलर लग रहा हूं। हार्डी जो हैं, हार्डी संधु पटियाला से हैं, और पटियाला में तो हार्डी बड़े बड़े होते हैं। हाँ जी। तो आपने शुरुआत टकीला से क्यों की? मतलब टकीला तो छोटा आता है भाई। मैं पी नहीं कभी, शराब ही नहीं पी मैं तो, गाना करने के लिए बस टकीला से गाना। हम आप इल्जाम नहीं लगा रहे, हम ये बोल रहे हैं बंदा नहीं नहीं एक्चुअली हार्डी बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। पहले हो सकता है कि अगर ये म्यूजिक इंडस्ट्री में ना आते तो आज हमारे देश के लिए खेल भी रहे होते। पर जिसने बैठ के आराम से एंजॉय करके खाना कमाना ना, उसको भगवान ऐसी कोई जॉब देता है। तो क्रिकेटर बनते तो वहाँ मेहनत तो होती है, पर हाँ बड़े अच्छे सिंगर हैं आप, अच्छे गाने बना रहे हैं, सबको एंटरटेन कर रहे हैं। बधाई हो आपको। थैंक यू भाई। हार्डिक थोड़ा हो जाए फिर टकीला, नहीं नहीं लाइव गाना भाई टकीला हो जाए कि ना हो जाए जुत्ती ले ना ना हो जाए ना, मतलब गाने। अच्छा थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा नहीं, हम्मा हम्मा सॉन्ग आपने सुना, कितना बढ़िया सॉन्ग था, बड़ा डांस किया हमने। उसको दोबारा रिक्रिएट किया गया ना जब, तो वो तनिष्क ने किया है। तनिष्क बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आपने दोबारा क्यों बनाया? रहमान साहब ने ठीक नहीं बनाया सर, पहले परमिशन लिया उसके बाद किया मैंने। अच्छा, रहमान साहब को पहले मतलब आपने बना के अपना सुनाया वर्जन? हाँ, पहले वर्जन सुनाया। और एक्चुअली बादशाह का और मेरा ये फर्स्ट सॉन्ग था, और हम लोग क्लूलेस थे पाजी, क्योंकि जब ये आया ना हम लोग को बोला गया था ये गाना करना है। अच्छा। और ये मेरा पहला रिक्रिएशन था, मेरे को रिक्रिएशन करना ही नहीं था, क्योंकि घर पे ना मॉम डैड इज वेरी सीरियस अबाउट म्यूजिक, उनको ये रीमिक्स और पसंद ही नहीं था। अच्छा। तो एक प्रेशर था सर के ऊपर। फिर हम लोग ट्राई कर रहे थे अजीम और हम लोग मिलकर। अच्छा, वो बोले मुझे रीमिक्स पसंद ही नहीं था, चेतस देख रहा है। अच्छा क्योंकि डीजे तो गाने रीमिक्स करते ही रहते हैं। अच्छा फिर बादशाह पाजी आए, फिर इन्होंने वो बीट भेजा, फिर इन्होंने वो जोन बनाया पहले। Okay. फिर हम लोग दो तीनों मिलके ये गाना बनाए, और बहुत नर्वस थे बहुत, क्योंकि रहमान सर इज समबडी लाइक वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्चुअली, तो वो चीज़ बहुत बड़ा सर पे था। और हम लोग तीनों मिलके ये गाना किया, और दैट्स व्हाई आई थिंक इट वाज सक्सेसफुल, बिकॉज हम लोग ने नियत साफ था। जब हमने पहले बनाया था गाना तो रहमान सर को पसंद नहीं आया था वो एक्चुअली। अच्छा। हाँ, बट रहमान सर की आप बड़प्पन देखो सर, मतलब 5-6 महीने बाद रिलीज के मैं उनसे एक इवेंट पे मिला, और उन्होंने मुझे खुद बुलाया और कहते यार सॉरी मैं गलत था गाने के बारे में, आई रियली लव द सॉन्ग नाउ। रियली? हां दैट्स वेरी बिग ऑफ हिम। क्या बात। आई थिंक म्यूजिशियन से ज्यादा ही इज बेटर, बहुत अच्छे इंसान भी। जीनियस आल्सो ना, ही सच अ जीनियस इन व्हाटएवर। चेतस, आपके बारे में सुना है जो चौगाड़ा गाना है, वो आपने 30 मिनट्स में बना लिया था। 30-45 मिनट्स विद लिरिक्स वो भी। अच्छा, तो आपको क्या डर था कि अगर आप लेट हो गए तो सलमान बिना गाने के रिलीज कर देंगे फिल्म ऐसे? इतनी जल्दी और इतने कम समय में क्यों, कैसे? कभी कभी सर गाने बन जाते हैं 4 दिन में भी बन जाते हैं, या राइट 4 घंटे में बन जाते हैं, ये 40 मिनट में बन गया सर। वाओ, क्या कभी कभी अच्छी चीज। हाँ ऐसे ही होता बन जाती है सर, बिल्कुल जोन में थे। मुझे लगता है आपको चेतस भाई को कहना चाहिए गाना बनाने के लिए, अभी जब तक शो खत्म होगा गाना बना के दे देगा। तो आप बस 2 घंटे हैं, 4 सॉन्ग्स। असीस के बारे में ना एक हमने बात सुनी, आपको अंगूठियां इकट्ठी करने का बड़ा शौक है, हैं? दिलवा दो। नहीं पहनी नहीं हुई, मैंने सुना इकट्ठी करने का शौक है। नहीं पहनते हैं? पहनते। तो आप खुद खरीदती हैं कि जैसे लड़के प्रपोज वगैरह करने आते हैं अंगूठी लेके मना कर देती हैं? उस हिसाब से कैसे? नहीं, मैं कहती हूं अंगूठी दे जाओ, आप खुद चले जाओ। पर सीरियसली आपको अंगूठियां इकट्ठी करने का शौक है? पहनने का शौक है, आज मैच नहीं कर रही थी। अच्छा। मैच नहीं कर रही थी इसलिए नहीं पहने? जी, आज सारी मैच होती हैं। ऑफ कोर्स, इयररिंग्स अंगूठियां सब मैच होती हैं। हां, हमें नहीं पता होता इन चीजों का। पर ये शूज कहां से लिए, बड़े अच्छे हैं आपके। हैं? ये ऑलरेडी हो गया अंदर घुसने से पहले ये बात है कि आपने उठाने हैं। नहीं, मुझे अच्छे लगे, वो बड़ा वो कड़ी चावल ट्रंक का टाइप का फ्लेवर है। पता नहीं यार, हमारे शो में जितने भी स्टार्स आते हैं, अक्षय पाजी और अभी आए हुए थे, दिलजीत पाजी आए हुए थे, दोनों के जूते हैं, हमारे उधर जो मॉल है उसमें तो नहीं मिलते।
भाई एक गाना एक इंटरस्टेलर जो आया है हाँ उसमें बादशाह ने जो लिरिक्स हैं उसमें ये रैप में बता रहे हैं कि ये जो चश्मा पहनते हैं डार्क आइज की वजह से पहनते हैं इनके कमरे जो हैं वो पार्क जैसे हैं फाइनेंशियली स्टेबल हैं अनबीटेबल हैं तो ये गाने के लिरिक्स हैं ये पाजी ये सच्ची में लिरिक्स आपने लिखे थे कि किसी को फोन पे दूसरे सिंगर को बता रहे थे आप तब पीछे से किसी ने म्यूजिक दे दिया चढ़ा रहे थे आप किसी को हाँ इतनी सारी स्टोरीज है ना जैसे मैंने सुना आपके बारे में कि पहले लस्ट स्टोरी जो आई वेब सीरीज वो भी आपको ऑफर हुई थी हाँ भाई लेकिन इन्होंने की नहीं इन्होंने की खानदानी शफाखाना पाजी इतने हैंडसम है ऐसा भी नहीं लगता कि कहीं वैन लगा के जवानी की गोलियां बेच रहे होंगे ऐसा भी नहीं लगता आपको ऐसी फिल्मों के ऑफर क्यों आते हैं डायरेक्टर को क्या लगता है कि मतलब भाई बट ये बात है मतलब मैंने भी नोटिस किया अच्छा जो लव स्टोरीज थी उसमें विक्की पाजी का जो रोल था विक्की कौशल पाजी का जी वो मिला था और मतलब जब करण सर ने मेरे को रोल दिया तो कहते कि यार एक ना रोल है मैं चाहता हूँ तू करे तो पहले तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं मतलब मेरे को क्यों करवाएंगे एक्टिंग फिर कहते मैंने कहा सर क्या रोल है कहते एक ऐसा रोल है एक ऐसे पंजाबी लड़के का रोल है जो अपनी ना वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पाता मैं क्या अच्छा ठीक है सर चलो वो नहीं हुआ रोल फिर गुड न्यूज़ आ रही है अभी पाजी पर गुड न्यूज़ जिसके लिए हम आए हैं तो उसमें दिलजीत पाजी का जो रोल था वो ऑफर हुआ था अच्छा तो उसमें भी यही है कि बेबी नहीं हो पाता वो आईवीएफ के थ्रू वो ऑफर हुआ खानदानी शफा खाना में भी ऐसा ही सही रोल था गोलियां बेच रहे तो भाई मुझे नहीं मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा बट मुझे लगा कि मैं फिर खानदानी शफा खाना इसलिए मैंने करी ताकि जिंक्स टूट जाए कोई और रोल मिले ये रोल मतलब यही रोल मिलते जा रहे हैं भाई ठीक नहीं हो गया उसके बाद फिल्म के बाद ठीक हूँ भाई मैं वैसे तो बहुत ठीक इतना प्यार मत किया करो नहीं तो मेरा पेमेंट बनाने को दिल करता है फिर खैर म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने दिग्गज लोग आए हुए हैं आप सबको मेरा नमस्कार तुझे पता है दिग्गज लोग आए तो तेरी ढोलकी क्यों बज रही है अर्चना जी देख लो आदमी बाद में आकर खड़ा होता है ये उसकी ढोलकी पहले बजानी शुरू कर देता है बादशाह भाजी जो ढोलक वाला होता है ना पहले वो भी दो तीन मिनट चेक करता है टक टक करके देखता है फिर उसकी ढोलकी बजाता है तो मैं पिछले 5 साल चेक ही कर रहा हूँ तेरी ढोलकी तो सुर में है ना ढोलकी बज रही है ना इसलिए शो से चेक पे चेक आ रहे हैं बॉस वाह कपूर शर्मा इनकी तरफ देखिए हाँ। ये कह रहे हैं दिला दूंगा चंडीगढ़ में हाँ। आपने आज तक मेरे को मोबाइल भी गिफ्ट किया वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बोल रहे हैं तो आप मेरी मुझे बोलो मैं सूट सलवार पहन के आ जाता हूँ ना आपको कोई फर्क पड़ना ना मुझे कोई फर्क पड़ना है देख लो छोटे से गिफ्ट के लिए गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है फोन के लिए अगर कोई इसको लैपटॉप दे दे ये तो स्वागत बना रहा है खैर बादशाह भाजी मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा भी ना बचपन से ना ये एक शौक था रैप करने का हाँ। तो फिर बस वही शौक मेरे को मुंबई ले आया हाँ। देखो ऊपर वाले की इतनी मेहर आते ही इसको समोसे रैप करने का काम मिला समोसे रैप नहीं सर मेरा सच में एक बचपन से सपना था रैपर बनने का लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया सर तू कैसे बनेगा तेरे को नॉलेज तो है नहीं म्यूजिक की कोई गिटार पे कच्चे सुखाने वाले आदमी एबीसीडी आती तेरे को म्यूजिक की फिर वही फालतू बात है गिटार पे कच्चे सुखाने वाले बंदे वो गिटार पे कच्चे कौन सुखाता मुझे एक बार बताइए ठीक है जुराबे सुखा लिए रुमाल सुखा लिया कच्चे कौन सुखाता है और मेरी एबीसीडी की टेंशन ना लो कभी तुमने दिनेश से पूछा कि उसको एबीसीडी आती है उसको नहीं आती तो वो साइड पे बैठ के अपना टैलेंट दिखा रहा है तेरी तरह बीच में तो नहीं जग लेके आ गया अल्लाह अपना काम कर रहा है
हे प्रिय दिनेश, मुस्कुराओ मत, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा अपमान छिपा हुआ है। अपनी गैरत जगाओ और छोड़ा शो को। अगर वो छोड़ के चला गया क्या, तो गिटार कौन बजाएगा? तू बजाएगा? मैं गिटार बजाऊंगा। हाँ? और वैसे भी मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं पूरे एपिसोड में नजर आया करूं। एक मिनट, कौन चाहते हैं? और मेरे फैंस चाहते हैं। मेरी बात सुनो, एक तो अपने डैडी को फैन बोलना बंद करो यार। ये खाने को आटा नहीं इसके पास, रॉकस्टार बनेगा ये। मेरी बात सुनो, ये इधर सारे मेरे डैडी बैठे हुए हैं। सही सही बताना, कितने पैसे ऑफर किए इसने आपको? ये देगा कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखो इसके पजामे में जेब ही नहीं है, देगा कहाँ से आपको पैसे? दो दो जेबें लगवाई हैं पजामे में, चाहे कुछ भी नहीं रखा लेकिन जेब है मेरे पास। कपू शर्मा कैसी बातें कर रहे हो यार, डोंट टॉक टू मी। कम से कम सूट बूट में आओ, पजामे टाइप। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। खाने को आटा नहीं, रॉक स्टार बनेगा ये। अच्छा, जिनकी आटे की चक्की होती है वो रॉक स्टार होते हैं? नहीं, वो क्या ऐसे ऐसे करके आटा पीसते हैं? चक्की वाले बाबू मेरा आटा पीसते, चक्की वाले बाबू मेरा आटा पीसते। आगे से बाबू भी कहता है, आजा बीबी आजा तेरा आटा पिसा दूं। बादशाह भाजी, मैंने आपको एक बात बतानी है। पिछले दिनों ना मेरी टी सीरीज के मालिक नहीं है जो भूषण कुमार जी, उन्होंने मेरे को बुलाया था। मैंने उनको अपना रैप सुनाया, दो लाइनें मैंने उनको सुनाई, उन्होंने कहा ओए ओए, उन्होंने मेरे को गले लगा लिया। भाजी एक बात बताओ, ऐसे कॉलर ऐसे कौन गले लगाता है? ऐसे मैंने पहली बार भूषण कुमार को गुस्से में देखा, करता टक्कर मारी। उसके बाद मेरी बात सुन, दो बंदे आए, उन्होंने इसको पैरों से पकड़ा उल्टा और हाथ खुल गए, इसका टी उल्टा किया हुआ था बिल्डिंग के बाहर। तो कोई बात नहीं, टी बनाने का ठेका सिर्फ चंदू ने थोड़ी लिया हुआ है, लोगों को भी मिलना चाहिए मौका। हेलो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। असीस जी। हां जी, आपको पता है मैं आजकल इंटरनेशनल लेवल पर गाने के लिए ना आजकल इंटरनेशनल सिंगर्स को सुन रहा हूँ। कौन, नाम बता। जस्टिन बब्बर, राज बब्बर के बेटे। जस्टिन बीबर है पहली बात तो। यही लोग होते हैं जब लेडी गागा जैसे आए ना स्टार के बॉम्बे में, पहली लाइन में जाल चले जाते हैं, अल्ताफ राजा का कुछ हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट टू से आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। अच्छा अपना भी तो बताओ ना, इंग्लिश होटल में जाकर ना जब फिंगर बाउल होता है उसको कहते यार इसमें शुगर नहीं डाली आपने। मैं गया ही नहीं, ये झूठ बोल रहा। सर आप मेरे को अपने ग्रुप में रख लो, मेरे को सारे इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज है। अच्छा, कीबोर्ड्स में कितनी कीज होती है? की? क्या बात है? की? नहीं, इसको कीबोर्ड वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं आता, बाकी सबकी नॉलेज है। आपको पता है पानी में साबुन घोल के ना उसमें बांसुरी डुबो के 7 बुलबुले एक साथ फुला लेता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज। एक बार तो गलती से अंदर खींच गया, फिर ऐसी जगह से बुलबुल निकले, मैं नहीं बता सकता आपको। सर आप प्लीज मेरे बारे में थोड़ा सोचिए और मैं आपके लिए एक चाय लेकर आता हूँ बढ़िया सी। मैंने तेरे बारे में सोची एक बात, अभी भी सोचा मैंने। गेट आउट। चलो बाजी मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। आज एक और खुशखबरी है, चेतस की आज एनिवर्सरी है। चेतस बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपकी वाइफ भी मैंने सुना आई है, कहाँ है? बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू मेरी भी आज, वाओ। नॉर्मली एनिवर्सरी पे आप अपनी वाइफ के लिए क्या सरप्राइज रखते हैं? मैं मतलब ये पर्सनल बात है पर फिर भी। मैं ऐसे छोटा मोटा सरप्राइज उसके दोस्तों को, कहीं सरप्राइज उसकी पार्टी कर दी, ऐसा कुछ छोटा मोटा करते रहता हूँ। अच्छा, तो सब सही। What kind of surprises? I want to know. आज अभी उसकी बर्थडे पे मैंने क्रूज पार्टी की थी, तो अच्छे सब दोस्त। ये छोटा मोटा होता है? तो बड़ा क्या होता है आपकी नजर में? एरोप्लेन के ऊपर चढ़ के पार्टी देते? क्रूज छोटा मोटा है? वाह,
कहीं हमने बादशाह को कहते हुए सुना कि इनको 3 साल की उम्र में प्यार हो गया था. 3 साल की उम्र में आदमी डायपर भी दूसरे से बदलवाता है. आदमी को समझ में नहीं आता. आप आपको प्यार समझ में आ गया 3 साल की उम्र में? मतलब मुझे बताते हैं कि हरकतें ऐसी थी कि प्यार ही था. घर वाले बताते हैं ऐसे कि आपको याद नहीं है प्रॉपर? हाँ, मतलब मैं जो थी वो उसको मैं पकड़ के बैठ जाता था उसको कि तूने घर नहीं जाना, यहीं रुक जा, साथ में खाते हैं, खेल ऐसी मतलब. अच्छा, शुरू से ही आपके अंदर प्यार रहा. माशाल्लाह जितने लंबे चौड़े 3 साल में भी आप 18 साल के बराबर ही होंगे मुझे लगता है. 3 साल का बच्चा इतना बड़ा. पर आपने एक गाना बनाया, लड़की पागल है पागल है पागल है. हाँ जी भाई. आपकी वाइफ ने नहीं पूछा किसकी बात कर रहे हो? Let's change the question. और सुनाओ चेतस. चेतस मैंने ना, अच्छा आप सबने पहले नोटिस किया होगा, जैसे हम क्लब वगैरह में कभी जाएं तो उसमें जो डीजे होते हैं वो बीच बीच में गाना चल रहा है ना, कोई भी गाना चल रहा है तो बीच में माइक लेके खुद बोलते हैं इसमें डीजे चेतस गाओ. तो ये आप ऑर्गेनाइजर को बता रहे होते हैं कि इस नाम से चेक बनाना है. मैं इतनी माइकिंग नहीं करता हूँ, जब सेट होता हूँ तो एक दो कुछ बोल देता हूँ माइक पे. अच्छा, बिकॉज वो लोग नाच रहे अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है. चेतस वैसे डीजे, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा डीजे है जी, और मतलब पार्टी की जान है. मतलब वैसे इसको देख के लगता है कि बैंक में नौकरी करता हो. बैंक भी वो जो बंद ही होने वाला है. इतना स्वीट है. स्वीट है, बहुत स्वीट है. मैं भी जब चेतस से पहली बार मिला था मुझे भी लगा था कैसे बाल स्पाइक पाइक करके बैठा होगा, 20 अंगूठियां पहन के 10 उंगलियों में, और मेरे को जाते आंख में मारा यो दिस चेतस. तब मैं गया था ऐसे चेतस बैठा हुआ था, हेलो. नहीं तो कहते ये डीजे चेतस. मैं कहा पक्का कर लेंगे आप? चेतस कभी ऐसा हुआ जैसे आपने कोई गाना रिमिक्स किया हो और म्यूजिक डायरेक्टर या फिल्म प्रोड्यूसर को पसंद ना आया हो और उसने बोला हो कि नहीं यार पसंद नहीं आया, इसे वापस अलग अलग कर दो? सॉरी यार, मैं थोड़ा, मेरे सवाल ऐसे ही होते, क्या करें. एक्चुअली वैसे जो एक बार मिक्स हो गया वो अलग अलग नहीं हो सकता? हो तो सकता है पर नहीं होता सर. पर फिर याद नहीं रहेगा ना कौन सा पीस कहाँ से निकला. यार एक्चुअली हाँ गाना है मिक्स कोई. हाडी 83 में भी आप आ रहे हैं. वाह, कपिल पाजी की लाइफ के ऊपर फिल्म बन रही है, कपिल देव साहब की. हमने सुना है आपका जो ऑडिशन से नहीं हुआ सिलेक्शन, स्पोर्ट्स कोटे से हुआ है. नहीं, मैंने बताया ना आपको बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं. मैंने एक्टिंग का ऑडिशन नहीं दिया, मैंने क्रिकेट का ऑडिशन दिया था बस. तो आपने उनको क्रिकेट खेल के दिखाया? हाँ. अच्छा जी, ऑडिशन तो बताओ क्या ऑडिशन था आपका, वो एक एक्शन करना था. मैं मदन लाल जी का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. मदन लाल जी, हाँ. तो कबीर सर डायरेक्ट कर रहे हैं. कबीर सर मुझे मिले, कह रहे कि आप इनका एक्शन कॉपी कर लोगे. मैं कहा सर एक्शन मैं सारे कॉपी कर लूंगा. अच्छा. मुझे आप ये बताओ कैरेक्टर कैसा है. अच्छा. उन्होंने मुझे बताया, जैसे वो बता रहे थे इधर मेरे फोन पे एक्शन चल रहा था ना 83 वर्ल्ड कप का, मैं ऐसे देख रहा था. मैं सर कर दूंगा. 4 दिन में मैंने वीडियो भेजी, तो उसके बाद कोई जवाब नहीं आया हफ्ता. अच्छा. मैं कहा पसंद नहीं आया होगा शायद. फिर उसके बाद फोन आया कि भाई तूने किया कैसे. अच्छा, परफेक्ट कर दिया. हाँ जी, जोरदार तालियां एक बार हमारे सब कलाकारों के लिए. सो अब वक्त है एक और धमाकेदार सिंगर को यहाँ पे बुलाने का. प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड लीसा मिश्रा. ओ लीसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. मैं शो में आई, मुझे नहीं बुलाया. पापा मम्मी आपके बहुत बड़े फैंस हैं, शिकागो में देखते हैं शो. थैंक यू. उधर भी आता है? उधर भी आता है. उसके पैसे नहीं दिए चैनल ने कभी. आई आई लीसा. लीसा बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. वही लड़कियां होती जो बोलती एक्स्ट्रा कैप्सिकम प्लीज. ग्रीन चिल्ली लग भी रही है आज. नहीं, बड़ा अच्छा गाती हैं आप. ग्रीन रूम में थी ना, इंस्पायर्ड हो गए. वाओ. लीसा बेसिकली आप शिकागो से हैं? हाँ. आपका नाम बड़ा स्टाइलिश है, लीसा मिश्रा. ऐसा तो नहीं है कि शिकागो के लिए आपने लीसा रखा और इंडिया के लिए मिश्रा? नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पे पैदा हुई थी. अच्छा जी. ओडिशा में. ओके. या तो मैं जब 6 साल की थी हमने वहाँ शिफ्ट किया, और मैं 1 साल से वापस आई हूँ मुंबई. अच्छा, वापस आ गई. भाई मैं इसको 1 साल से जानता हूँ, इतनी हिंदी मैंने आज तक नहीं सुनी इसकी. अच्छा. 1 साल में इतनी हिंदी. If you are not comfortable, we can talk in English. Yes, yes. How did you started?
Your career in Bollywood. मैं गलत बोला है पाजी? नहीं. मैंने बिल्कुल ठीक बोला. गलत बोला है. Too many past tenses. Past tenses? हाँ. How did you start it? How did you start? मैं चेक कर रहा था आपको पता कि नहीं पता. So how same? कैसे? How you entered into Bollywood? अब बताओ. Actually last year मैंने एक वीडियो बनाया था तारीफ़ां कवर बनाया था और उसको मिक्स किया था जस्टिन बीबर के गाने के साथ एंड एक्चुअली बादशाह भैया ने उसको स्पॉट किया वो गाना रिया कपूर ने स्पॉट किया हाँ बादशाह भैया आप जब अमेरिका से आती हैं तो वहाँ यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं तो आपसे सिर्फ गाना ही मंगवाते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मंगवाते हैं आ रही हो तो फोन ले आना हाँ ऐसा होता है नए फोन टैबलेट्स वो सब नहीं नहीं फोन्स के साथ चीटोस भी लाती हैं हाँ चीटोस में लाती हूँ वहाँ पे अलग टाइप के चीटोस मिलते हैं वहाँ ज़्यादा तीखा अलग टाइप के मतलब होते क्या हैं हमने तो वो भी नहीं देखे चीटोस मतलब एक्स्ट्रा स्पाइसी स्नैक्स होते भाई पहले वो जो कुरकुरे जैसे वो शेर की जब बनी नहीं होती थी फोटो अच्छा 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 आलू चिप्स कॉर्न चिप्स कॉर्न चिप्स ओके चीटोस बोलते हैं उसको चीटोस तो ये नाचोस क्या होता है चीटोस जब फ्लैटन कर देते हैं वो नाचोस होता है क्यों करते हैं ये सब ये बॉडीगार्ड किनके हैं आप ही को कह रहा हूँ बॉडी बड़ी अच्छी ना आपकी चेतस के पार्टनर पारी वो लीजो हैं उन्होंने मुझे लगा इनका जिम में होगा अरे वाह यार तो भाजी जो सौदा गाना है गुड न्यूज़ सौदा खरा खरा हाँ तो वो हमने साथ में बनाया अरे वाह वेलकम वेलकम ब्रो छुगाड़ा कमरिया सब सब ओके ग्रेट जॉब पर अच्छा ऐसी बॉडी बनाई हो जैसे कभी कभी म्यूजिक का मन नहीं करे जाके पब के बाहर खड़े हो जाओ तो ये कुछ सवाल है आपको येस और नो में जवाब देना है और अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते क्या है कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग गाना कुछ और रिकॉर्ड करने गए हो लेकिन गाते गाते उसका कुछ और ही बन गया हो और मजेदार बन गया हो और इस फील्ड में तो अक्सर ही होता होगा भाई क्रिएटिव फील्ड है हां हो जाता है ना हमारे गाने में चंडीगढ़ में वो जो हां जी कौन सा गाना वखरा हां वखरा में वो एक लाइन है वो एक्चुअली टिकटॉक के वजह पॉपुलर हो गया वो हां एक फ्रेज मैंने कहा था हां जी तो दैट्स एन एडलिब या दैट्स एन एडलिब अच्छा इतना ही आपने कभी बाथरूम में नई धुन बनाई है अरे क्योंकि आइडियाज आते हैं ना बाथरूम में बनाते हो गाने बहुत टाइम स्पेंड करते होंगे फिर सब लोग बाथरूम में ना है ना पौना घंटा एक घंटा आधा पौना घंटा तो ऑफिस लिया है कि बाथरूम से ही ऑपरेट करते हैं अब तो कीबोर्ड भी अंदर ले जाते हैं अगर अच्छा लगा ठीक नहीं तो फ्लश कर दो कभी आपको किसी फैन ने कोई और सेलिब्रिटी समझ के फोटो खिंचवा ली हो और ये तो बहुत बार हुआ हां बहुत बार आपको क्या समझ के किसी ने फोटो खिंचवाई थी कई बार तो भाई ऐसे भी होता है कि मतलब जैसे फोटो खींच रही है फिर एक आंटी आई चल पिटे पिटे खिंचवा खिंचवा मेरे पास आप हो कौन वैसे यही बड़ा होता है ये पूछा जाता है अक्सर कई तो फोन भी ऑन करके और सामने पूछते हैं वीडियो भी ऑन कर लेते हैं अभी याद था क्या नाम आपका ऊपर से रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं आदमी शर्मिंदा ही हो जाता है नहीं नहीं मैं तो डॉक्टर हूँ कई बार चार चार नाम जानबूझ के बोल के कि शायद एक तो होगा निकल आएगा ऐसा भी होता है हाँ एक्चुअली मेरे साथ उल्टा ही होता है क्या मतलब मेरे साथ ऐसा होता है अगर कहीं पापा दिख जाते हैं लोगों को तो वो फिर ढूंढते हैं असीस के पापा असीस भी यहीं कहीं होगी पापा शोज में मतलब शोज में नहीं इंस्टा पे बहुत एक्टिव रहते हैं मेरे साथ वैसे मेरी मम्मी बड़ी पॉपुलर हो गई है एक दिन मम्मी आई वॉक करके तो मम्मी को है पूरी स्वेटिंग हो रही है वो तो मैं मम्मी क्या हुआ कहती पब्लिक ने मेरे को बड़ा परेशान किया ओके ये अच्छा कभी ऐसा होता है लाइव शोज में आप जाते हैं जब तो अपना गाना गा रहे हो और अपने गाने के लिरिक्स भूल गए हो बहुत बार बहुत बार होता तो फिर क्या करते हो उस वक्त आप कुछ नहीं मुझे लगा हमें चेयर अप कर रहे हैं मैंने तो एक बार बोल भी दिया था सिंगर बैठा हुआ सामने कहा था मैं कहा आपको पैसे दिया आप हम तो सुनने हैं
कर देते ना माइक आगे। कभी ऐसा होता कि किसी फिल्म के लिए गाना बना रहे हैं, डेडलाइन मिली हो आपको कि फ्राइडे को चाहिए या सैटरडे को चाहिए, आपसे बन ना पाया और फिर आपने बहाने लगाए हो कि मेरा तनिष्क से पूछो। कैसे क्या सर? बहाने तो मेरे एक ही है ज्यादा, कि मेरा पेट खराब हो गया। क्योंकि मैं वही बोलता हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं नहीं कर सकता। तनिष्क अब आप फंस जाओगे, आपने बहाना सबको बता दिया। ये बहाना नहीं काम आएगा, ऐसा नहीं आएगा। मैं अभी बोल के आया हूँ कि मेरा तबीयत खराब है। एक वीडियो देख रहा था मैं, वो ना सेल्फ डिफेंस का वीडियो था यूट्यूब पे, तो उसमें वो ना देखो सिखाता है कि जैसे दुश्मन अगर आपको अप्रोच करे तो यू करे और यू करे। नीचे डॉक्यूमेंट था कि दुश्मन भी तो ये वीडियो देख रहा होगा। कभी कभी आप ऐसा फंसते हो ना, मैंने ना बीच में 2-4 साल पहले जब स्लिप डिस्क हुआ था तो मुझे किसी ने इनवाइट किया, कहते ऐसे ऐसे फंक्शन पे आ जाओ हमारे। मैं कहा मेरे को तो बेड रेस्ट है 15 दिन, मैं तो हिल ही नहीं सकता। उनकी शादी थी, अगले दिन एक और फंक्शन आया जिसको मैं मना नहीं कर सकता था। मैं चला गया, मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा ना, उसने ऑर्गेनाइजर ने मुझे उसी बंदे से मिलाया, कहता ये हमारे फ्रेंड है। मैं कहा अच्छा। मेरे को समझ ही ना आए, उसने देखा गाड़ी से तो ऐसे उतरा है और अभी ऐसे हो गया। ओहो यार, इसीलिए तो कहते थे गांधी जी हमेशा सच बोलो, सच बोलो। कभी आपके रिश्तेदारों ने फ्री में परफॉर्मेंस कराई कभी अपने उनकी शादी में या कुछ? बहुत हैं, मैं तो रिश्तेदारों को शादी पे जाना ही बंद कर दिया। तूने अपनी शादी में फ्री में करवाई परफॉर्मेंस सबसे? नहीं नहीं, मेरे सारे दोस्त वैसे ही आए, मेरे से तो कराई। नहीं नहीं झूठ बोलते, खाना भी तो खाया था। गुड न्यूज में बच्चे अदला बदली हो जाते हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमारे सामान अदला बदली हो जाते हैं, कभी एयरपोर्ट पे कुछ हो गया कभी। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आपके साथ कोई ऐसा फनी किस्सा हुआ तो आप शेयर कर सकते हैं, और अगर फनी नहीं हुआ तो आपको जेल भी हो सकती है। जी मैम, आप नीचे कर लिया। जी मैम, नमस्कार मैम। हाय कपिल सर। हेलो, मेरा नाम सुनीता सेक्सरिया है और मैं राजस्थान से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि आपके घर लक्ष्मी आई है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आपको बधाई है। मेरे साथ सर ऐसा वाकया हुआ है, जब मेरे फर्स्ट बेबी हुआ था जी, तो मतलब सेकेंड डे जब स्पंज होता है तो वो मतलब हॉस्पिटल में ही मतलब सिस्टर ने चेंज, मतलब जब वो आई मेरे पास स्पंज करके, तो मतलब मेरे को ऐसे लगा कि ये मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा। तो मतलब मैंने सिस्टर को बोला कि ये तो मेरा बच्चा नहीं लग रहा मुझे, तो उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, एक दो घंटे मैंने उसको देखा, मैंने कि भाई ये तो रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, लेकिन मतलब मुझे लगा ही नहीं कि ये मेरा है। तो मैं सीधी डॉक्टर के पास गई, मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरा बच्चा नहीं लग रहा है, ये मेरा बच्चा तो नहीं है, क्योंकि मैंने एक दिन रखा है उसको और मुझे नहीं लग रहा। तो बोले चलो ठीक है, आप पहचानो अपने बच्चों को, क्योंकि वहाँ पे 10 बच्चे थे। तो क्या वो लोग ना मतलब गले पे बैच लगाते हैं ना, 6 नंबर एंड, तो मैंने बोला ये मेरा बच्चा है। तो जब मेरा बच्चा, जब वो बच्चा मेरे पास था ना जो किसी और का, तो वो 9 नंबर और 6 नंबर, 9 और 6, ऐसे मतलब चेंज हो गया। तो मैंने ऑन द स्पॉट बोला कि ये जेंडर भी सेम था, बेटा था आपका? हाँ बेटा, बेटा। अच्छा, तो मतलब तो फिर उन्होंने बोला, फिर मैंने जैसे ही मेरे बच्चे को लिया तो मैंने ऑन द स्पॉट रोने लग गई, मैंने कहा ये मेरा ही बच्चा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हमसे गलती हो गई है, सॉरी। तो मैंने फिर मैंने दिया ही नहीं मेरा बच्चा। मैंने बोला मुझे घर पे ले चलो, पता नहीं 609 की वजह से एक्चुअली वो चेंज हो गया था मेरा बच्चा। अब है ना, जैसे मेरे 2 बेटे हैं ना, तो वो छोटा वाला बहुत बार बोलता है मम्मी ये आपका बेटा नहीं है। अच्छा हुआ आपने उसी समय पकड़ लिया, नहीं तो रखते 15 साल बाद नया नक्श किसी और से निकलते मिलते। कहाँ बोलता है कौन है भाई? चलिए हाँ, हंसी मजाक अपनी जगह पर, हाँ बढ़िया, डराने वाली बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? यस सर रिटा। हेलो कपिल। हेलो, दिस साइड अंकिता, अंकिता बजाज, आई एम फ्रॉम इंदौर। ओके, दिस साइड कपिल शर्मा। हेलो। ऑल नो सर, बताने की जरूरत ही नहीं है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और रिसेंटली आपके शो ने 100 एपिसोड कंप्लीट किया, तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर टीम। सर ये जो हेरा फेरी वाली जो बात हो रही है,
ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है एंड आई एम क्वाइट लकीस्ट पर्सन इन दिस क्योंकि अभी रिसेंटली दिवाली के टाइमिंग पे कई सारी जगह पे सेल और ऑफर्स थे तो शॉपिंग के टाइमिंग में मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है कि पार्सल्स एक्सचेंज हो जाते हैं लाइक जब हम बिलिंग के काउंटर पे होते हैं तो किसी और का पार्सल मेरे पास आ जाता है तो अभी लाइक दिवाली वाले मंथ में ही ऐसा दो बार हुआ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो पार्सल मेरे पास आया वो ड्रेस बड़ी गंदी सी थी लाइक जो मैंने परचेस की थी वो बहुत अच्छी थी मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी वहाँ कॉल किया चिल्लाया मुझे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया फिर वहाँ जाके चिल्लाया कि नहीं मुझे तो चाहिए मेरी ड्रेस चाहिए नहीं तो यहाँ से कोई चॉइस करा के आप दूसरी ड्रेस दो तो वो एग्री किया उन्होंने फिर मुझे मेरी चॉइस की ड्रेस मिल गई अगेन ऐसा ही कुछ डेज के गैप में हुआ उस टाइम पे ऐसा हुआ कि जो ड्रेस मेरे पास एक्सचेंज हो गया है वो बहुत ज्यादा अच्छी थी फिर आप गई वापस दुकानदार के पास ऑफ कोर्स वो तो मैं वापस कर ही नहीं सकती थी तो सर कोई भी लड़की कैसे करेगी दिवाली आ रही थी तो आई वॉज लाइक नहीं ये तो मैं वापस नहीं करूंगी ये वही वाली ड्रेस है नहीं सर तो फिर कुछ टाइम बाद वहाँ से कॉल भी इवन आया था कि मैडम ऐसा कुछ एक पार्सल हमारे यहाँ से एक्सचेंज हुआ है आपके पास तो आया नहीं मैंने कहा नहीं नहीं आज के बाद आप कॉल भी मत करना मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता इस तरह के कॉल्स रिसीव करने का और उनको डांट के बंद करा दिया था अच्छा ऐसे बिना रुके कितनी देर तक बोल लेती आप सर काफी सारी देर और जब आप सामने खड़े होते हैं तो बहुत ही सारी देर मतलब ऐसे लग रहा है कि खत्म ही ना हो बात किस्सा खत्म ही ना हो कुछ ना कुछ मिलता ही जाए अब बोल लो 10-15 मिनट बोल लो आपको पता है आपका ये यूनिक टैलेंट है आप तो बड़ा अच्छा आरजे बन सकती हैं ये जो अभी आप गाना सुने थे इसको आवाज दी है मोहम्मद रफी जी और लता मंगेशकर जी ने और इसके आप अच्छा बोलती हैं अंकिता क्या करते हैं आप कहाँ से आई थी बताया आपने सर इंदौर से इंदौर अभी हम इंदौर गए थे अभी सर बताया नहीं हम तो पहली बार मिल रहे मैं कैसे बताता इंदौर में तो नेक्स्ट टाइम आप इंदौर आए तो पक्के से इन्फॉर्म कीजिएगा मैं आपको नंबर आप एक व्हाट्सएप हो जाए तो पर्ची पे लिख के उधर रख जाओ आप सीट पे हम लोग गए थे अभी इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स के लिए वहाँ पे अच्छा ओके वहाँ पे हमारे शो को 6-7 अवार्ड मिले कांग्रेचुलेशंस अगेन सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था जी मैम एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए वन फ्लावर दिस इज फॉर यू ओनली और मैं आपको वहाँ के देना चाहती हूँ आपके जुए तो नहीं है मैं आता हूँ यहाँ पे thank you Ankita thank you so much thank you dear thank you so much thanks thanks so sweet of you oh thank you thank you thank you priya mera maine dena nahi aapko isme to khushbu nahi aa rahi thank you Ankita aur koi hamare dost aaj namaste sir haan ji namaste sir namaste ji main aapko bahut bada fan hu थैंक यू ब्रो क्या नाम है आपका सुभाष कुमार सिंह जी कहाँ से हैं सुभाष आप बिहार से आया हूँ अच्छा जी सुभाष क्या कहना चाहते हैं आप पिछले साल मेरे भाई की शादी था पिछले साल हाँ जी कैसा है अब वो बढ़िया ठीक है तो सर मम्मी के मैं बोला कि मम्मी मुझे बढ़िया सा मुझे जीन चाहिए तो मम्मी बोला ठीक है जा मौसी कपड़ा जाकर एक मिनट आप आराम से कोई नहीं आपको पूरा टाइम मिलेगा एक काम करते हैं आज क्राइम पेट्रोल कैंसिल कर देंगे हम लंबा करेंगे शो पर आप आराम से बताइए सांस लीजिए डीप ब्रीथ हाँ अभी बताइए तो मम्मी के मैं बोला ना मम्मी मेरे कपड़ा चाहिए तो बोला ठीक है बेटा जा मार्केट से ला तो मैं गया मॉल में एक बगल में लड़की थी वो क्या बोली मुझे ब्लैक कलर मुझे दिखाओ मैं बोला कि सर मुझे भी ब्लैक कलर दिखाओ तो वो अपना जींस ली मैं अपना जींस लिया मैं चला गया घर लेते सब अच्छा फिर घर लेकर मैं चला गया उसको अच्छा जी शादी का दिन था बारात जब निकलने वाला उसका 2 घंटे पहले मैं गया रूम में लाइट को ऑफ कर दिया और मैं जींस को मैं पहन लिया लाइट को ऑफ लाइट ऑफ करके क्यों कमरे में और भी था कोई नहीं सर शादी का माहौल है कोई एंट्री कोई कर जाए ना अच्छा तो आप अपने आप को उस अवस्था में दे सकते मतलब मैं आपने लाइट क्यों बंद किया मतलब लाइट तो दरवाजा लॉक करके शादी का माहौल था ना कोई एंट्री कोई कर जाए नहीं शादी का माहौल है सारे सुपरमैन थोड़ी है जो तोड़ के घुस जाएंगे कुंडी लगा लेते हाँ। एंट्री कुंडी लगा लेते हाँ, तो शादी में आपके कुंडियां नहीं लगाते भूल गया था सर भूल गया लाइट ऑफ कर ली मेरे कुछ गड़बड़ लग रही है अच्छा फिर तो रूम से मैं बाहर निकला और मैं डांस करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे भाई का शादी है
मैंने वो डांस किया, मैं सब देख रहा है कि मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है, सुभाष बहुत हीरो लग रहा है, ये है तू वो है। मम्मी बोली इधर आ, क्या हुआ, तू किसका जींस पहने वाला, क्यों, ये 6000 का जींस है। अरे लड़की वाला जींस है। आदमी कपड़े पहनता तो खुद तो एक बार देखता ही शीशे में। नहीं सर, मैं नहीं देख, खुशी का माहौल था उस समय। तो मतलब आपके जब खुशी होती है ना, आप कुंडी लगाते हो तो ना आप शीशे में देखते हो। भाई जींस तो पहन ली थी, थोड़ी लिपस्टिक लगा लेते थे। हाँ थोड़ा सा ऐसा कर लेते, उधर दिहाड़ी बन जाती आपकी। आंटी क्या बोली, सुभाष लल्लन टॉप लग रहे थे। कौन सी आंटी? अमेरिक आंटी खुद की है वो। तो आंटी ओरिजिनल थी क्या, उन्होंने भी अंकल वाले कपड़े पहने हुए थे क्या? ओरिजिनल थी सर। क्या करते हो आप ब्रदर, आप सुभाष? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट? क्या पढ़ाई करते हो? BHMGT। हाँ जी, BHMGT। Same to you. Bachelor degree in hotel management. Bachelor degree in hotel management. Hotel management. Yes sir. Wow. फिर क्या होटल में क्या मैनेजर लगोगे आप? लाइट बंद करेंगे। कुंडी भी लगा लेना please. प्यारा face है आप, smile बड़ा करते हो। मुझे आपकी आई नहीं के लाना भूल गए। सुभाष? हाँ सर। यार शुक्रिया, बड़ा मजा आपसे बात करके। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो कपिल सर। सुभाष वही लड़की जिसकी जींस ले आए थे। हेलो कैसे आप सर? नहीं साइज उसका छोटा होगा। चलो हेलो कपिल सर एंड हेलो एवरीवन, मायसेल्फ चाहत एंड आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। सर आज का टॉपिक ये है कि अदला बदली। सॉरी टू से बट मेरा टॉपिक कुछ डिफरेंट है। अच्छा जी। मैं और ये मेरी टीम है, हम लोग दिल्ली से आया और हम लोग वुमेन कैंसर अवेयरनेस पे काम करते हैं। अच्छा जी। बिकॉज आजकल यूट्रस कैंसर बहुत ज्यादा ही स्प्रेड आउट हो रहा है एंड मेरे करियर की, अब तक के करियर की मेरी इंस्पिरेशन है पैड मैन मूवी। ओके। एंड दैट इज अक्षय सर जी। तो मुझे लगता है कि जब वो एक पैड मैन बन के मूवी के थ्रू सारी इतनी सारी गर्ल्स को एंड लेडीज को अवेयर कर सकते, तो हम पैड वुमेन्स बन के क्यों नहीं कर सकते? बहुत अच्छी बात है। तो सर हम छोटे छोटे स्लम एरियाज में एंड हमने यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में डेमोन्स्ट्रेशन किया है स्मार्ट सैनिटरी पैड का, जो अभी तक शायद किसी को नहीं पता। अच्छा जी। सो हम उसी का हर जगह छोटे छोटे एरियाज में फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप्स लगाते हैं, बिकॉज मुझे ये लगता है एंड सबको ये पता है कि उसके बिना कोई लड़की नहीं है और लड़की के बिना कोई घर नहीं है। राइट। बहुत अच्छा काम कर रहे चाहत आप। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू सर। मुझे आपसे मिलना है वहां पर। आइए आइए प्लीज प्लीज, बहुत स्वागत है आपका। और बादशाह सर से भी आना तो उसी से मिलने था, मेरा तो बहाना लगा दिया आपने। हेलो चाहत, वेलकम वेलकम, गॉड ब्लेस यू, आइए। कैसे हो आप? ठीक है। हां जी। अच्छा। थैंक यू चाहत। और मैं एक एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं, आप और आप आपकी टीम। सो बहुत बहुत मुबारक आपको। दिस इज सो कूल। दिस बादशाह इन द हाउस, डीजे चेतस इन द हाउस, तनिष्क बागची इन द हाउस, लीसा इन द हाउस, आरी सांदर असीस को ब्रो। वाओ वाओ ब्रो, टू मच ये ब्रो, हाउस इन द हाउस। ब्रो इधर क्या चल रहा है? मैं इंटरव्यू चल रहा है क्या, ऑडिशंस चल रहे, चल क्या रहे? जब तुझे पता ही नहीं तो आया क्यों फिर यहाँ पे? ब्रो मैं ऐसे ना आए, मेरे को सोनी साहब जो है ना वो मेरे को वो किए, वो क्या होते हैं यार, जब इंसान बहुत ऐसा बक 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 करते हैं तो इधर क्या खराब होता है? भेजा। हाँ तो सोनी साहब मेरे को भेजा है। मेरे को इधर भेजा है चेक करने के लिए कि इंटरव्यू वाला लड़का जो रखे वो कर क्या रहे है। मैं अभी सोनी साहब को जाके बताएंगे कि इंटरव्यू वाला लड़का उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप इधर अपना खुद का इंडियन आइडल खोल के बैठे हैं। मैं कहा इंडियन आइडल बना रहा हूँ ब्रो? मेरे किस मजाक मत करो। मेरे को सब मालूम है,
इतना सारा सिंगर इंडियन आइडल में ही होते हैं. अभी आप एक काम करो, अपना वो नेहा कक्कर, विशाल ददलानी, हिमेश रेशम को इधर बुला लो, ताकि उन लोग का सारा का स्पॉन्सर भी इधर आ जाए. मैं सब समझ रहे हैं. आज आप इधर सिंगर बुलाए हैं, कल आप इधर सोनी साहब को बुलाएंगे, उनको बुला के मेरा ये वाला जो है पूरा लुक ना उनको देंगे, फिर उनको बोलेंगे चुटकुला सुनाओ, अभी डांस करके दिखाओ, बोलेंगे गाना गाओ, और फिर आप उनको बोलेंगे कि आप मुंबई नहीं आ सकते. सोनी साहब ये अपना चैनल खोल रहे हैं आदमी, या तो ये आदमी को रोक लो या इंडियन आइडल को 9:30 रोक लो. कुछ तो रोको नहीं तो आ जाएगा टोको. But why cool, bro? इधर पहला पंजाबी काम था, इतना पूरा और पंजाबी गैंग लेके आ गया तुम. सारे पंजाबी कहाँ हैं? तनिष्क देखो, वो बंगाल से हैं, चेतस मुंबई से हैं, लीसा अमेरिका से हैं. अभी है, अभी आए, खाली आधा घंटा रुको, फिर इनका मुंह से भी अरे पा निकला, तो मेरा नाम बदल देना ब्रो, इधर सब पंजाबी हो जाते हैं, थोड़े टाइम के बाद में बोल रहे हैं. अच्छा, ये लोग अपने गुड न्यूज की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हैं. क्या गाने खा लिए? हाँ ब्रो, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होते है. कैसे? There has to be a tit for tat. Like, मैं क्या बोल रहे हैं, अगर आप ये शो में अपने गाने प्रमोट कर रहे हैं, तो अपने गाने में हमारा शो को प्रमोट करो. नहीं ऐसे होने पड़ेंगे. नहीं ब्रो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आए कि ये तो हमारा शो में ऐसा दिख जाएगा. हाँ. पर हम लोग किधर दिखाई देंगे? अबे हम भी इसी शो में दिखेंगे ना. नहीं नहीं, ये वाला शो के अंदर तो ये लोग हैं, तो सब लोग ये लोग को देखेंगे ना. हाँ, हमको तो रोज देखते हैं ना लोग. नहीं, हम लोग हफ्ते में खाली दो दिन देखते हैं ब्रो. तो रिपीट तो रोज होता है ना. हाँ, लेकिन एक चीज बार बार रिपीट क्यों होता है ब्रो? ब्रो, ये सब तुम्हारा वजह से हो रहा है. तुम खाली हफ्ते में दो दिन क्यों काम करता है यार? रोज काम करो ना. नहीं, मैं खाली बोल रहे हैं कि आज हम हमारा 100th एपिसोड के जगह 365th एपिसोड भी सेलिब्रेट कर सकते थे. लेकिन नहीं, ये आदमी खाली दो दिन काम करेंगे, पूरा हफ्ता काम नहीं करेंगे. व्हाई दिस आलस्य इन जीवन ब्रो? क्यों? अबे बाकी के दिन वो शो की तैयारी करनी होती है ना. ये तो बाना है ब्रो. ये बाना है. बाना है नहीं है, गुड न्यूज में इनका गाना है, उसकी बात करो ना कुछ. न्यूज में गाने हैं? हाँ. मैं आई कैन सी कि देश बदल रहा है. पहले न्यूज में न्यूज आते थे, अभी न्यूज में गाने आ रहे हैं. ओके, पर ऐसा होते रहते हैं यार. इधर भी पहले सिद्धू जी आते थे, अभी कोई और ही आ रहे हैं. चलते हैं. अच्छा, तो क्यों अर्चना जी के पीछे पड़ा रहता है? ऐसा ही यार, आई लाइक हर, शी इज प्रीटी. हां, या यू आर प्रीटी. या थैंक यू. इतने अच्छे-अच्छे सिंगर्स आए हैं देख. असीस, ये इनसे बात कर, कोई और बात कर तू अर्चना जी के पीछे. मैं बात करेगी ना असीस जी, मैं आप लोगों से बात करेंगे. तो आपके ये है गाने चंडीगढ़ में, वो गाने मुंबई कभी आ रहे हैं? अरे गाने के बोल चंडीगढ़ में है ऐसा. अच्छा, तो म्यूजिक मुंबई आ गए है, अभी बोल चंडीगढ़ में है. पूरा गाना ही चंडीगढ़ में देख. ओ ब्रो, वो हर जगह आ सकता है गाना, गाने के बोल है ऐसे. ओके ओके, शायद मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से नए है ना. इधर ऐसे होते रहते हैं. इधर अगर आप चंडीगढ़, अमृतसर, बेसिकली अगर आप पंजाब से नहीं है ना, तो बहुत बातें आपको समझ में नहीं आती है. इधर होते हैं. मैं आपको ये आदमी के बारे में बता दे, अभी थोड़ा टाइम पहले, I'm telling you, थोड़ा टाइम पहले ये आदमी दो अपना दोस्त लोग को लेके आया और इधर कुछ प्रमोशन कर दिया, जबकि उधर उनका कोई फिल्म भी नहीं आ रहे थे. फिर फिल्म इंडस्ट्री को मजबूरन वो दो लोग को लेके फिल्म बनाने पड़े, क्योंकि प्रमोशन हो गए थे. ये प्रमोशन में इतना धांधली कर रहे उसके बाद देखे है क्या बोलते है. ब्रो, वो क्या होता है जब किधर ऐसा सूखा पड़ा होता है और ऐसा हम लोग ऐसा बादल को देख के क्या बोलते है? बरसो. हाँ, बरसो बाद में इतना सारा सिंगर्स को साथ में देखे है. वैसे मेरे को बरसात से याद आए, बरसात में हमेशा बोलते हैं ना कि बरसात में बांदा बूंदी हो रहा है, बूंदा बांदी हो रहा है. पर कैसे पता चलता है कि कौन सा वाला बूंदा है, कौन सा वाला बांदी है?
जो गिरता है वो बूंदा है, जो गिरती है बूंदी. ब्रो मैं नोट करेंगे. अच्छा वाओ, इतना अच्छा लगा तुम्हें? मैं अच्छा नहीं लगा, मैं सोनी साहब को जाके बताएंगे कि इंटरव्यू वाला जो लड़का रखे वो कितना बकवास नॉनसेंस करते हैं. और सर तनिष्क जी, आपसे एक बात बोल रहे थे, आप अपना कुछ चेन अगर पहने मेरे को दो ना. क्यों? मेरा गर्लफ्रेंड मुझे बोले कि तनिष्क से चेन लेके आओ. मेरे को आपका नाम बहुत पसंद है, तनिष्क बागची. एक बात बताइए, आप अभी मुंबई में रहते हैं, तो अब ये मुंबई आपके लिए आमची मुंबई है कि बागची मुंबई है? बागची मुंबई इज बेटर. ये आप जस्ट कह रहे हैं. वाह लीसा, आप बारगांव से हैं? ओ बाहर गांव से. बाहर गांव से है? हाँ. मैं भी बाहर गांव से है. मैं लंदन, मैं लंदन से है. बट देखिए कितना कूल बात है कि आप भी कोई गोरा के गांव से है, मैं भी कोई गोरा के गांव से है, और हम लोग मिलते किधर है? गोरा गांव में. ऑलराइट डीजे चेतास, आप डीजे है, मैं पीजे है. मैं बहुत पीजे मारते रहते हैं. कल मैं सच बोल रहे, कल तो मैं इतने ज्यादा पीछे मार दिए कि मेरे जीजे मेरे पीछे सुन के मुझे ही मार दिए. हार्डी संधू, हार्डी जी, मैं अपना ये शो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. थैंक यू. पर मेरे को एक बात बताओ, आप काफी क्यूट है, तो फिर आपका संधू इतना हार्डी क्यों है? अच्छा यार क्या बात है, तुझे एक बात कहना चाहता हूँ आज दिल से, दबा जा यहाँ से. ये जो तरीका से तुम मेरे से बात किया है ना, आज मेरे को बहुत वो लगा है. क्या वो बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका. हाँ मेरे को बहुत ढाका लगा है यार. कोई तरीका नहीं बात करने का ब्रो, ऐसे नहीं होते है. एक मिनट रुको, किधर है सर? ये मैं आपको देने चाह रहे थे. ये क्यों दे रहा है? ये क्या दे रहा है? ये डीजे वाले बाबू मेरा गाना बचा लो. अबे वो बादशाह का गाना है. तो बादशाह का गाना है तो क्या बुगलों से बजवाऊं? ब्रो अपना मुंह से वो बोला डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, मैं डीजे वाले बाबू को दिया गाना. तुम्हारा इतना आपत्ति क्यों निकलता है यार बार बार? ओ ब्रो मेरा फोन आये. ओ गॉड ब्रो मैं बहुत फेमस आदमी, यू नो पिटबुल, पिटबुल मेरे को फोन किए, मैं बात कर ले इफ यू डोंट माइंड. हेलो, या पिटबुल, या बोलो. देखो तुम ना कभी भी बुल का पिट पे मत बैठो, वरना बुल तुमको पिट पिट के तुम्हारा बुल रेड कर देगा. अभी मैं तुमको एक बात बोल रहा है, वो ध्यान से सुनो और मेरा बात बोलना मत. ओके अपना कॉन्सर्ट में कभी किसी को अपना पिट मत दिखाना. चलो मैं फोन काट रहा है. मैं अभी क्या, मेरे को और बहुत काम है, मेरे को जाने पड़ेगी. मेरे को जाके अभी अपना क्या जूता घिसने के है. क्यों? क्या एक बहुत बड़ा आदमी मेरे को बोले कि लाइफ में अगर बड़ा बनने है तो जूते घिसवाने पड़ेंगे. तो मैं जब भी एक जूता घिस के आए अभी जाके दूसरा जूता घिसेंगे. ऑलराइट आई गॉट टू गो नाउ. ऑलराइट मैं चलते हैं ब्रो. थैंक यू. ओके थैंक यू ब्रो. आई सी यू. ये चलते हैं. या ब्रो एक बार हमारे सब स्टार्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए. भाई आइए आइए. लीसा, तनिष्क, चेतस, बादशाह, हार्डी, असीस, आप सबको गुड न्यूज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. और आगे भी आने वाले आपके जितने सॉन्ग्स हैं, जितने एल्बम्स हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. गुड नाइट, शब खैर. उसके जाने से पहले इतने सारे कलाकार हैं, ऐसे कैसे जाने दें? हाँ जी. आज की इस रंगारंग शाम का समापन करते हैं और आगे भी खुशी के मौके भी याद रखिए. विवाह शादी, बच्चों के मुंडन, जन्मदिन पे बादशाह एंड कंपनी. थैंक यू सो मच.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.